पुष्पम प्रिया चौधरी को पुलिस ने लिया हिरासत में, देखें पूरी रिपोर्ट। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रोशन भारत। प्लस पार्टी की अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद के दावेदार पुष्पम प्रिया चौधरी वैशाली से चलकर राजभवन जाने के क्रम में पटना में पुलिस कर लिया गिरफ्तार। पुष्पम प्रिया राज्यपाल को ज्ञापन देने के लिए राजभवन मार्च कर रही थी और पुष्पम बिहार में निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर पुष्पम प्रिया राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहती थी। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। देखिए ये लेटर। और देखिए ये वीडियो। इन्हें गाड़ी में महिला पुलिस कर्मियों की मदद से गाड़ी में राज्यपाल से मिलने जाने चौधरी जो है लगातार अब यहाँ पर गाड़ी बंद कर दी। हमने ले लिया पुलिस लगा और आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर उन्हें गाड़ी में बिठा लिया गया है। पुष्पम जी, क्या क्या हो रहा है? इससे पहले मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महामहिम से बात ये कहना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी पार्टी के खिलाफ सभी पार्टियाँ मिलकर अपराधियों का प्रयोग करते हुए काम कर रही है। सभी पार्टियाँ जानती है कि एक पढ़ी लिखी पार्टी आ गई है, उन लोगों का कैरियर खत्म हो जाएगा। उन्होंने दावा कि जब तक राज्यपाल से मिलने नहीं दिया जाएगा वह कहीं नहीं जाएगी। देर रात तक भी उन्हें राज्यपाल से मिलने की इजाज़त नहीं मिली तो खुद के रोके जाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा। पुष्पम प्रिया ने ट्वीट की कि आपने 5 घंटों तक अपनी पुलिस और अधिकारियों के माध्यम से मुझे परेशान किया है, इस दिन को याद रखें, मैं आपके लिए आ रही हूँ, भगवान आपका भला करे। इससे पहले दिन में पुष्पम प्रिया वैशाली से पाटलिपुत्र गंगा नदी को पैदल ही पार करते हुए कहा कि बुद्ध ने पाटलिपुत्र से वैशाली नाव से गंगा पार किया था तो पूरी मानवता को न्याय मिला था। आज मैं उसी माँ गंगा को वैशाली से पाटलिपुत्र पैदल पार कर रही हूँ। देखती हूँ बिहार को न्याय मिलती है या नहीं। फिर मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।